नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेशों में जाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को बदनाम करने का काम करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश और प्रदेश में उनकी ही कांग्रेस पार्टी के नेता खुद को दबंग समझते हुए कानून को अपने हाथ में लेने से बाज नहीं आते। ताजा मामला वाराणसी से सामने आया है, जहां कांग्रेस की एक महिला नेता ने फेसबुक पर उनकी एक पोस्ट पर कमेंट करने को लेकर आरएसएस के एक कार्यकर्ता के घर पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बारिश कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस युवक की पिटाई करने का उन्होंने वीडियो भी बनवाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं जब कांग्रेस की महिला नेताजी अपने समर्थकों के साथ उस व्यक्ति को मन भर पीट लेती हैं, तो उसके बाद थाने में जाकर उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा देती हैं। विदेशों में जाकर देश के खिलाफ बोलने वाले राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के नेता खुद को कानून से ऊपर मानकर लोगों से मारपीट करने में अपनी शान समझते हैं। अब वाराणसी की कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल को ही देख लीजिए, जो इस बात का बेहतरीन उदाहरण है। कांग्रेस की महिला नेता रोशनी कुशल जायसवाल पिछले लंबे समय से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स के जरिए सरकार को लेकर तल्ख टिप्पणियां करने का काम करती हैं। उनकी पोस्ट्स को लेकर पांडेपुर के रहने वाले राजेश सिंह ने फेसबुक पर कई कमेंट्स किए। ये कमेंट्स साल 2021 से साल 2023 के बीच के बताए जा रहे हैं। अब उस पोस्ट की बात कर लेते हैं जिसको लेकर ये बवाल शुरू हुआ। कांग्रेस नेता रोशनी कुशल जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी, तुम लोग इधर ही अटके रहना, उधर चंद्रचूड़ की पत्नी का चूड़ा और घड़ी गायब है। उनकी इस पोस्ट को लेकर भी राजेश सिंह ने फेसबुक पर कमेंट्स किए। कांग्रेस नेत्री रोशनी का आरोप है कि राजेश सिंह ने खुद को आरएसएस का कार्यकर्ता बताया है। उसने फेसबुक पर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो और बलात्कार कर मुंह बंद कराए जाने संबंधी पोस्ट किए। इस अभद्र टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेत्री रोशनी आज यानी रविवार को दोपहर में अपने पति कुशल जायसवाल और अन्य समर्थकों के साथ राजेश सिंह के घर पहुँच गयी और उसे घेर कर ताबड़तोड़ उसकी पिटाई करने लगी। फिर उसकी पिटाई करते हुए उसका वीडियो भी बनवाया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मारपीट के बीच राजेश सिंह की पत्नी किसी तरह से अपने पति का बचाव करते हुए उसे घर के अंदर ले गई। वहीं इसके बाद रोशनी लालपुर थाना पहुंची और राजेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इतने में मामला मीडिया के संज्ञान में आ गया, तो मीडिया के लोग थाने पहुंच गए और कांग्रेस नेत्री से पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान पूरे वाकये पर अपनी बात रखते हुए कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल ने मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जहां पर बलात्कार की बात होती है वहां भाजपा और आरएसएस के लोग ही शामिल होते हैं। कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल ने जहां अपनी शिकायत थाने में दर्ज करवाई है, वहीं राजेश सिंह की पत्नी ने भी पुलिस को रिपोर्ट दी है कि कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल अपने पति और 20 अज्ञात लोगों के साथ उनके घर में घुसी, गाली गलौज करते हुए मारपीट की और विरोध करने पर घर में तोड़फोड़ भी की और साथ ही सोने की चेन और घर में रखे 20,000 रुपए भी लूट लिए हैं। अब पुलिस इस मामले में पुलिस ने पूरी तरीके से कांग्रेस नेत्री की ओर से साइबर क्राइम के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच पड़ताल में जुट गई है कि कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल के आरोपों में कितनी सच्चाई है। बहरहाल, यदि कोई किसी भी प्रकार से महिलाओं के साथ अभद्रता करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कानून को अपने हाथों में लेने का अधिकार संविधान किसी को भी नहीं देता। इस पूरे मामले पर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफी अहमियत रखती है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। यूपी की और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।